स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय एक बड़ी घटना सामने आई है। सड़क हादसे में दंपति की मौत, पेड़ से टकराई वैन, डेढ़ घंटे बाद निकाला जा सका पति का शव। विवाद के बाद पत्नी को जा रहा था मायके छोड़ने। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रविवार रात हुए सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार वैन के पेड़ से टकराने के चलते हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पति के शव को कार से बाहर निकलवा सकी। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिवरी नारायण के लोहसी गांव निवासी नरेश श्रीवास 26 वर्ष, अपनी पत्नी पूनम श्रीवास 24 वर्ष के साथ लेकर वैन में अपनी ससुराल पेंड्री जा रहा था। अभी वे लोहसी से आगे धरदेई गांव के पहले पहुंचे थे, तभी मोड़ पर तेज रफ्तार वैन पेड़ से जा टकराए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पति पत्नी दोनों उसी में फंस गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो नरेश दम तोड़ चुका था, जबकि पूनम बुरी तरह से घायल थी। पुलिस ने पूनम को पामगढ़ अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। इस बीच नरेश का शव निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शव बुरी तरह से वैन में फंसा हुआ था। ग्रामीणों की मदद से पुलिस करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाल सकी। नरेश और पूनम की शादी हुए महज 7 माह ही हुआ था। बताया जा रहा है कि पूनम और नरेश के बीच आपसी मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों में विवाद हुआ था। इसके बाद गुस्से में नरेश उसको मायके छोड़ने जा रहा था, इसी बीच यह दुर्घटना हो गई। आशंका जताई जा रही है कि वैन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते वो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराए।